हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कड़ी पत्ता प्लांट के बारे में, जिसको हम स्वीट नीम भी कहते हैं और करी प्लांट भी कहते हैं और करी ट्री भी कहते हैं, जिसका नेटिव प्लेस है इंडिया। और इंडिया में मेनली 3 वेराइटीज़ के प्लांट्स पाए जाते हैं करी लीफ के। तो एक होता है रेगुलर, एक ड्रॉफ एंड गम थी। करी लीफ प्लांट परमानेंट प्लांट है अगर हम उसकी प्रॉपर केयर करें तो। अगर हम उसको प्रॉपर वाटरिंग करें, प्रॉपर फर्टिलाइज़र दें और प्रॉपर सनलाइट में रखें। फर्टिलाइज़र जैसे हम यूज़ कर सकते हैं लीफ कंपोस और काउडंग कंपोस। और सॉइल वेल ड्रेन होनी चाहिए, मींस कि सॉइल में पानी ना रुके जिससे उसकी रूट ख़राब हो सकती है। और हमें समर सीज़न में इसमें डेली वाटरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि समर सीज़न में हीट की वजह से वो सॉइल ड्राई हो जाती है। और प्रॉपर वाटरिंग ना करने की वजह से और धूप में ज़्यादा रखने की वजह से हमारे प्लांट की लीफ भी बर्न हो सकती है। और एक क्वेश्चन है आपसे कि करी लीफ प्लांट में किस तरह की स्मेल आती है। करी पत्ता की अच्छी ग्रोथ करने के लिए हम उसको अगर शेडी प्लेस में रखेंगे, जिसमें मॉर्निंग की 2 से 3 घंटे की सनलाइट आए, अगर हम करी पत्ता को अपनी डाइट में लें तो उससे हमें कुछ विटामिन्स मिलते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन B2, कैल्शियम एंड आयरन। करी पत्ता प्लांट के कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि एंटी कैंसर इफ़ेक्ट होते हैं उसके अंदर, न्यूरोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और जो ये हम इनटेक करेंगे तो इससे हमारी रिड्यूस हो जाएगी हार्ट डिजीज़। और ये आउटडोर प्लांट है, इसको हम इंडोर में नहीं रख सकते। ये प्लांट हानिकारक उन लोगों के लिए है जिन लोगों को करी पत्ता प्लांट से एलर्जी है। जैसे आप ये हमारा प्लांट देख सकते हैं, तो हम इसकी रेगुलर केयर करते हैं फिर भी इसकी लीफ ड्राई हो गई है, तो हम इसे रिमूव करेंगे जिससे हमारा प्लांट अच्छा दिखे और ये फालतू में उसमें अपनी एनर्जी ना वेस्ट करें। और वीडियो को ध्यान से देखें और कोई भी स्टेप ना मिस करें। और ऐसे करते हुए हम अपने जो प्लांट है उसकी हम सारी लीफें रिमूव कर लेंगे जो ड्राई हो रखी है। तो ये देखिए इतनी सारी ड्राई हो रखी है, तो हम इसे निकाल देंगे सारी। ये देखिए यहाँ पे भी है, तो सारी रिमूव कर देंगे हम। और हम करी पत्ता प्लांट को डिफरेंट टाइप से हम प्रोपोगेट कर सकते हैं। एक तो कटिंग के थ्रू कर सकते हैं, और एक तो सीड के थ्रू कर सकते हैं, और एयर लेयरिंग के थ्रू भी हम कर सकते हैं। मेनली जो सीड का कलर होता है वो इसमें होता है, एक तो होता है ब्लैक कलर और एक होता है अपना ग्रीन कलर। जो ग्रीन कलर है वो होता है कच्चे सीड्स, फिर भी उससे हम प्लांट ग्रो कर सकते हैं। जबकि जो रिपन सीड मतलब जो पके हुए हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। और अब आपको मैं दिखाता हूँ जो ये हमारे जेड प्लांट, जो ये दो दिख रहे हैं ये जेड प्लांट है जिनकी कटिंग मैंने लगाई थी। और ये देखें इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई है, दोनों की ग्रोथ एकदम और बुशी टाइप हो रखे हैं। और ये हमारा हो गया सिंगोनियम का प्लांट, ग्रीन और वाइट कलर में, इसको एरोहेड वाइन भी कहते हैं। और ये हमारा स्नेक प्लांट, ये देखिए इसकी ग्रोथ, और ये देखिए कितने स्मॉल स्मॉल बर्ड्स निकल रखी है, इसकी स्मॉल ग्रोथ हो रखी है यहाँ पे देखिए। और ये हमने लीफ के थ्रू प्रोपोगेट किया है, ये देखिए, ये देखिए ये जो लीफ है इसमें से ये सारे प्रोपोगेट हुए हैं। और आने वाली वीडियो में मैं इसका आपको फुल अपडेट दूंगा। ये देखिए अब इसको वापस रख देते हैं। और ये हमारा सिंगोनियम, बिग सिंगोनियम का प्लांट जिसमें से मैंने वो छोटे छोटे प्रोपोगेट किए हैं। और ये देखिए हमारा करी लीफ, और जो ये हमारा प्लांट है इसका टॉप, ये देखिए इसका टॉप। तो इसमें से जो हम ये रिमूव कर रहे हैं ऊपर के, ये जो इसकी लीफ से निकली हुई है इसे हम पिंच कर देते हैं, जिससे इस प्लांट में अच्छी ग्रोथ होगी, मतलब बुशी हो जाएगा ये वाला प्लांट। अगर नॉर्मली हम इसको पिंच नहीं करेंगे तो जो ये प्लांट है ये बिल्कुल सीधा लंबा हो जाएगा और ये कुछ घना नहीं होगा इतना। अगर हम इसको रेगुलर पिंच करेंगे तो ये घना होगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए किसी भी चीज़ में तो एक बार कमेंट ज़रूर करना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। हम
करी लीफ को कभी भी ग्रो कर सकते हैं पूरे साल में, जबकि इसके लिए जो बेस्ट सीज़न होता है वो होता है मानसून से पहले, जबकि विंटर से पहले भी हम इसको उगा सकते हैं। जो आइडल टेम्परेचर चाहिए होता है इसके लिए, उसके लिए वार्म होना चाहिए और ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। जो करी पत्ता प्लांट है वो 6 से 20 फीट तक लंबा हो सकता है। मेनली जो इस प्लांट को अफेक्ट करती है जो डिजीज़ वो होती है लीफ स्पॉट फंगस। अब आपको मैं दिखाता हूँ ये जो ये छोटे छोटे प्लांट दिख रहे हैं इसमें, ये चलो इसको रिमूव कर देते पहले इस लीफ को। और ये दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे प्लांट, ये पता है किसके प्लांट है? ये करी लीफ के हैं। जो करी लीफ सीड होते हैं ये कच्चे सीड से है, रॉ सीड से मतलब ग्रो किया मैंने इनको। तो ये देखिए कितने सारे हो रखे हैं, इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। और ये देखिए अभी कुछ जर्मिनेट भी हो रहे हैं ये देखिए। और आने वाली वीडियो में मैं आपको इन प्लांट्स का फुल अपडेट दूंगा। मेरे ओपिनियन से इंडिया के हर घर में ये प्लांट मिलता है, फ्रेंडली प्लांट होता है और केयर की ज़रूरत होती है पर इतनी भी नहीं होती। और इम्पोर्टेंट बात कि ये करी मेकिंग में यूज़ होता है, और जो हम इसकी लीफ ड्राई हो गई तो हम इसे स्टोर कर सकते हैं किसी भी कंटेनर में और फिर बाद में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।